Audio Jungle. हाय दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल HD कैंपस आगरा में। कल पढ़ाया था, उससे थोड़ा आगे चलते हैं। कल ट्रायंगल पढ़ाया था, ट्रायंगल में कुछ क्वेश्चन बचे थे, नेक्स्ट स्टेप बचा था, आज उसको कंप्लीट करते हैं। और उम्मीद करूंगा सभी के अच्छे से समझ में आएगा, बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊँगा और आप भी पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई, ये वाला नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। जब कोई आपको कोई भी ज्योमेट्रिकल आकृति या कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर ऐसे करके दिया हो और इसमें हमें काउंट करना हो कि ट्रायंगल की संख्या कितनी होगी, तो वो हम कैसे काउंट करते हैं। जो हमने कल जो पढ़ा था, पहले वाला टैप पढ़ा था, सेम वैसा ही है। अब देखो, इसको इस प्रकार के फिगर में ट्रायंगल कैसे काउंट करते हैं, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इस वाले शीट से इसको आधार मान के काउंट करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले नंबरिंग करते हैं, एक दो ऐसे नंबरिंग की, एक और दो कितने हो गए, तीन, ऐसे करके, ठीक। इसे शीर्ष मान के, इसे आधार मान के इस काउंट करेंगे, एक दो, तो दो कितने हो गए, तीन। तो इस वाले शीर्ष से इस वाले पे कितने हो गए, तीन हो गए, ठीक है। क्या करते हैं कि अब इसको शीर्ष माना था, अब देखो इधर से देखें तो ये शीर्ष मानना पड़ेगा, इसे आधार मानना पड़ेगा, तो यहाँ पे काउंट करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो इसे शीर्ष मान के आधार मान के काउंट करेंगे, एक दो, तो कितने हो गए, एक और दो तीन। यहाँ पर ऐसे ही इसे शीर्ष आधार काउंट करेंगे तो एक दो, यहाँ पे भी कितने हो गए, तीन हो गए। तो टोटल कितने हो गए, तो ये कैसे काउंट करेंगे, टोटल ट्रायंगल की संख्या, तो तीन प्लस तीन प्लस तीन प्लस तीन कितने हो गए, तीन और तीन। लेकिन दोस्तों इसमें क्या होता है कि ये वाले जो ट्रायंगल हैं, कुछ ट्रायंगल ऐसे होते हैं जो दो बार काउंट हो जाते हैं, और दो बार काउंट हो गए तो जो हम एक्चुअल ट्रायंगल होंगे, जो वास्तविक ट्रायंगल होंगे, उनको कैसे ज्ञात करेंगे। तो जो दो बार ट्रायंगल काउंट हो गए इस बारे में, उनको इसमें से हटा देंगे। अब हटाना कैसे, कौन से ट्रायंगल हटाने और कितने हटाने, उसके लिए हमें क्या करना है कि देखो यहाँ पे जो ये पॉइंट बनते हैं, जैसे यहाँ पे ये क्रॉस हो रहा है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये और एक ये ऐसे करके यहाँ कितने पॉइंट बनने, जो क्रॉस हो रहा है, चार हो रहा है, तो चार को हम हटा देंगे तो कितना बचा, आठ। तो इस वाले फिगर में टोटल ट्रायंगल की संख्या होगी वो कितनी होगी, आठ होगी। तो एक बार और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। सबसे पहले इसे शीर्ष मान के इस वाले आधार पे काउंट कर लेंगे, इसे शीर्ष मान के इस वाले आधार पे काउंट कर लेंगे, ठीक है। फिर एक बार इसे शीर्ष मानना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से रेखा डली हुई है, तो इसे शीर्ष मान के इस वाले आधार पे काउंट कर लेंगे और इसे शीर्ष मान के इस वाले आधार पे काउंट कर लेंगे, फिर टोटल को ऐड कर देंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ ट्रायंगल ऐसे होते हैं, ये वाले जो ट्रायंगल हैं वो डबल काउंट हो गए, उनको हटाना कैसे होता है कि जो ये पॉइंट होते हैं यहाँ पे, ये जो काट रहा है, यहाँ पे ये जो मिल रहे हैं, इनको हम घटा देते हैं, तो बाकी जो एक्चुअल ट्रायंगल होते हैं, वास्तविक ट्रायंगल, इस वाले फिगर में वो निकल के आ जाते हैं। देखो इसमें कोशिश करते हैं एक बार समझने की, ये वाला करते हैं, क्या करते हैं, वही काम करना है पहले की तरह, इसे शीर्ष मान के इस वाले आधार पे काउंट करते हैं, नंबरिंग करनी होती है, एक दो तीन, तो कितने हो गए, तीन और दो पाँच और एक छः, कितने ट्रायंगल हो गए यहाँ पे, छः हो गए। अब इसे शीर्ष मान के इस वाले आधार पे हमें ज्ञात करने होते हैं, तो यहाँ पे नंबरिंग करेंगे, एक दो तीन, तो तीन और दो पाँच और एक छः, यहाँ पे कितने हो गए, छः हो गए। अब क्या करेंगे, अब इसको शीर्ष मानते हैं, इस वाले आधार पे काउंट करते हैं, तो देखो एक दो, दो और एक कितने हो गए, तीन, यहाँ पे तीन हो गए। अब इसे शीर्ष मान के इस वाले आधार पे कितने हो गए, एक दो, तीन हो गए। अब इन सबको क्या करते हैं, हम काउंट कर देते हैं, ऐड जोड़ देते हैं, छः प्लस छः प्लस तीन प्लस तीन, और कहीं दिख रहे हैं, यही वाले, ये वाला एक, इस पर नहीं काउंट किया, ये वाला, ये भी ऐड करना है। इसे शीर्ष मान के इस वाले आधार पर, एक ये आधार हो गया, एक शिखर, अब इन छः और छः, अरे और तीन पंद्रह, और तीन अठारह, और तीन कितने हो गए, इक्कीस। अब इसमें से वो वाले ट्रायंगल हटा देने तो डबल काउंट हो गए, तो डबल कौन से काउंट हो गए, ये वाले जो यहाँ पे ये मिल रहे हैं, ये वाले डबल काउंट हो गए, ऐसे करके ये वाले जो है डबल काउंट हो गए। तो यहीं पे हटा दो, एक दो तीन चार पाँच छः,
छह हटा दो, यहाँ से ये वाले छह हट गए तो कितने, छह और तीन नौ, दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, ऐसे करके यहाँ पे जो ट्रायंगल की संख्या आएगी वो निकल के कितनी आएगी दोस्तों, पंद्रह। तो इस वाले जो फिगर में ट्रायंगल होंगे वो कितने होंगे, पंद्रह होंगे। उम्मीद करता हूँ सभी के समझ में आ रहा होगा। थोड़ा नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। इसमें हमें काउंट करने के टोटल ट्रायंगल की संख्या क्या होगी, वही काम करना है जो पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। तो क्या करना है कि इस वाले सिर से इसे आधार मान के काउंट करेंगे, तो नंबरिंग करेंगे एक दो तीन चार, और देखो चार के आगे वाला नंबर पाँच, पाँच तक बीस का आधा दस, तो बहुत जल्दी से करेंगे। अब हम सीख गए, हम सीख गए तो अपनी स्पीड बढ़ाते जाएंगे। ऐसे यहाँ पे भी कितने होंगे, दस होंगे, क्योंकि एक जैसा है। और नंबर लिख के देख लेते हैं, चार का आगे वाला नंबर पाँच, पंचक बीस का आधा दस, ऐसे ही यहाँ पे भी कितना होगा, दस होगा। लिख के देख लेते हैं, एक दो तीन चार, ठीक है, चार का आगे वाला नंबर पाँच, पंचक बीस का आधा दस। अब क्या करेंगे, इसे शीर्ष मान के इस वाले आधार पे काउंट करेंगे। तो नंबरिंग करो एक दो तीन, तीन और दो पाँच और एक छः, यहाँ पे हो गए। इस वाले सिर से इस वाले आधार पे भी छः हो जाएंगे, इस वाले सिर से इस वाले आधार पे भी छः हो जाएंगे, इस वाले सिर से इस वाले आधार पे भी छः हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि एक जैसी रेखाएं हैं। तो बार बार हमें काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें आंसर जो है बहुत जल्दी से निकालना है। अब इसको हम ऐड कर देंगे कि इसमें टोटल ट्रायंगल कितने होंगे। तो ऐड करो दस प्लस दस प्लस दस, ये कितने हैं यहाँ पे, ये छः प्लस छः प्लस छः प्लस छः। अब इसमें से हम वो वाले ट्रायंगल हटा देंगे जो डबल काउंट हो गए। वो कौन से ट्रायंगल हैं, तो देखो ये वाले एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह और ये बारह। तो यहाँ से ये बारह हटा देंगे, तो ये हट गया यहाँ से, तो कितना बचा, ये दस तीस और बारह कितने हो गए, बयालीस, फोर्टी टू। तो इस वाले फिगर में जो ट्रायंगल की संख्या आई वो कितनी निकल के आई, बयालीस। तो उम्मीद करता हूँ सभी के अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वाले फिगर में ट्रायंगल की संख्या कितनी है, ठीक है। तो थोड़ा नेक्स्ट चलते हैं, आगे वाले देखते हैं क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखेंगे। अगर नहीं समझ में आ पा रहा तो कमेंट करें, जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, उसको समझाऊंगा कैसे क्या करना है। इतना टफ नहीं है, बहुत ही क्वेश्चन है, बहुत धीरे धीरे करा रहा हूं। तो उम्मीद है बिल्कुल समझ में आपके आ रहे होंगे। देखो नेक्स्ट देखते हैं, चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले फिगर में आपको बताना है टोटल ट्रायंगल की संख्या क्या होगी, इस वाले फिगर में आपको बताना है ट्रायंगल की संख्या क्या होगी। देखो क्या करना है, वही काम करना है जो पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, दो तरीके से बताऊंगा। तो पहले जो अभी करते आ रहे हैं, पहले वेस से बताएंगे, फिर एक और ट्रिक से बताएंगे। देखो हम क्या करते हैं, इसे शीर्ष मान के इस वाले आधार पर नंबरिंग करते हैं, एक दो तीन चार, चार चार का आगे वाला नंबर पाँच, पाँच चक बीस, इसका आधा दस। तो इस वाले सिर से इस वाले आधार पर कितने ट्रायंगल हो गए, दस ट्रायंगल हो गए। अब यहाँ से इस आधार पर कितने हो गए, यहाँ पे भी दस हो जाएंगे। बार बार काउंट नहीं करने, क्योंकि हमें पता है सेम वैसा ही है। तो इस वाले सिर से इस वाले आधार पर भी दस हो जाएंगे, इस वाले सिर से इस वाले आधार पर भी दस हो जाएंगे। बार बार नहीं करना है, क्योंकि हमें पता है सीधी रेखाएँ जा रही हैं। अब क्या करेंगे, इसे शीर्ष मान के इस वाले आधार, इसे आधार मान के काउंट करेंगे। तो देखो एक दो तीन चार, यहाँ पे भी चार है, चार का आगे वाला नंबर पाँच, पाँचक बीस, बीस का आधा दस। तो यहाँ पे भी दस हैं, यहाँ पे भी दस होंगे, यहाँ पे भी दस होंगे और यहाँ पे भी दस होंगे, क्योंकि ये वाला शीर्ष है, इस वाले आधार पर भी हम काउंट करेंगे। अब इस टोटल को ऐड कर देंगे, तो दस प्लस दस प्लस दस प्लस दस, ठीक है, मैं ऐड करके दिखा रहा हूँ ना, यहीं पे भी हो जाएंगे चार ये वाले हैं। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे क्या, जो ये वाले आपके यहाँ पे जो है, एक ये वाला पॉइंट, चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, सोलह ये वाले हम ये इसमें से माइनस कर देंगे। तो कितने हो गए, ये बीस तीस चालीस पचास साठ सत्तर अस्सी, अस्सी में से हम ये सोलह घटा देंगे तो कितना बचा आपका, सिक्सटी फोर। कितना आंसर आ गया इसका, सिक्सटी फोर आंसर आ गया।
आपका। तो उम्मीद करता हूँ सभी के समझ में आया होगा। देखो इसके लिए एक तरीका और होता है जो बहुत आसान होता है, वो मैं बाद में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये तो आप पे आना ही चाहिए, ये तो आप पे आना ही चाहिए। देखो उसके लिए क्या करना है, जब शीट से एक दो तीन रेखाएं खींची गई हैं, इस वाले शीट से भी एक दो रेखाएं खींची गई हैं, मतलब बराबर भागों में इतनी रेखाएं खींची गई हों जो बराबर भागों में बांट रही हों। तो यहाँ पे कितने भाग बन रहे हैं आपके, तो एक दो तीन चार, अब यहाँ से देखा जाए तो एक दो तीन चार बन रहे हैं। तो बराबर भागों में बांट रहे हों, जितने भाग बन रहे हों उसका हम घन कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं, चार चौक सोलह चौका 64। तो इसका आंसर कितना आ गया, 64 आ गया। ये भी एक तरीका है, अगर इसको भूल जाते हैं, अगर बराबर जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में बराबर रेखाएं नहीं खींची गई थी, इस वाले में बराबर रेखाएं खींची गई हैं, तो बराबर रेखाएं खींची गई हैं और जितने भागों में बटा है उसका क्यू कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो चार का क्यू 64 आ गया। चाहो तो इस तरीके से कर लो, ये थोड़ा बड़ा पड़ता है और ये तो देखते ही आपका आंसर आ जाएगा, देखते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो थोड़ा आगे चल नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करके देखते हैं इसी ट्रिक से अपनी। करके देखो भाई इस वाले क्वेश्चन को, आंसर बताओ कि इस वाले फिगर में कितने ट्रायंगल होंगे, कोशिश करो करने की, जल्दी से आंसर करो, जल्दी से इसमें आंसर करके बताओ कि इस वाले फिगर में टोटल ट्रायंगल की संख्या क्या होगी। अब देखो इसे देखते हैं, इस वाले शीट से कितनी रेखाएं खींची गई हैं, एक दो तीन चार, इस वाले शीट से कितनी खींची गई है, एक दो तीन चार, मतलब बराबर रेखाएं खींची गई हैं, बराबर रेखा खींची गई हैं। तो इस वाली ट्रिक से करेंगे हम, वाली ट्रिक से, तो कितने भागों में बटा हुआ है, देखो ऐसे नंबरिंग करके देख लिया करो, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार, मतलब पाँच। तो इस पाँच का क्या कर देंगे हम, क्यू कर देंगे। पाँच का क्यू कितना होता है, 125। तो इस वाले फिगर में टोटल ट्रायंगल की संख्या है वो कितनी निकल के आ गई, 125। उम्मीद करता हूँ सभी के समझ में आया होगा, ये तो बस बराबर रेखाएं खींची गई, बस क्यू कर देना है हमारा, देखते ही आंसर आ जाएगा। तो कितना आंसर आएगा, 125, ठीक है, सभी के समझ में आया होगा। अब थोड़ा नेक्स्ट चलते हैं, आगे वाले क्वेश्चनों को करते हैं, आगे वाले क्वेश्चनों को देखते हैं भाई, सभी के समझ में आ रहा होगा। देखो इससे थोड़ा हटके नेक्स्ट है, थोड़ा इससे थोड़ा हटके क्वेश्चन है, देखो ऐसी आकृति कोई दी हो, एक और लिख लेते हैं, जब दोनों को एक साथ करेंगे, एक और लिख लेते हैं फिर दोनों को एक साथ करेंगे। देखो भाई इसमें बताना है, ये जो रेखाएं खींची गई ना, ये सीधी रेखाएं, ये वाली जो रेखा खींची गई हैं ये कैसी रेखाएं, सीधी रेखाएं, लेकिन बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो ये सीधी रेखाएं, ठीक है। तो आपको इन दोनों आकृति में बताना है कि टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी होगी, टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी होगी इन दोनों में बताना है भाई। देखो कैसे करेंगे, अगर आपको इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, इसके दो तरीके बताऊंगा, एक फॉर्मूले से करेंगे और एक हम अपनी ट्रिक से करेंगे। तो देखो पहले हम ट्रिक से देख लेते हैं फिर फॉर्मूले से कर लेंगे। देखो इस पे सबसे पहले हम नंबरिंग करते हैं, एक दो, देखो एक तो ये वाला शीर्ष है, तो इसके लिए एक तो आधार ये हो गया, एक ये हो गया, तो दो आधार हैं, इसके लिए दो आधार हैं, तो क्या करेंगे, जैसे हमने आधार का नंबरिंग किया, एक नंबर दो नंबर, तो इसके लिए जैसे नंबर किया वैसे लिख लेते हैं, एक लिख लिया फिर दो लिख लिया, फिर बराबर का निशान लगाते हैं, एक के सामने एक लिख देते हैं और इसको हम क्रॉस, दो ऐड किया तो कितना हो गया, तीन हो गया,
ठीक है, फिर इसको जोड़ देते हैं, 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया प्लस। फिर क्या करते हैं, नीचे से एक बार चलते हैं और सबसे पहले वाला जो नंबर होता है उसे हम हटा देते हैं, नेक्स्ट नंबर को इसमें ऐड कर देते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5 आंसर आ गया। मतलब क्या करना होता है, जैसे नंबर लिखे हैं, कितने आधार हैं, 2 आधार हैं, तो 1 2 लिखा, फिर बराबर लगाया, पहला जैसा अंक है वैसा 1 लिख दिया, फिर क्रॉस ऐड करते हैं, 1 में 2 ऐड किया 3 आ गया, ये वाला हमने जोड़ दिया यहाँ पे 4 हो गया। फिर क्या करते हैं, फिर एक बार नीचे से चलना होता है और सबसे पहले वाला जो नंबर होता है उसको हम छोड़ देते हैं, दूसरे करते, फिर नेक्स्ट को छोड़ देंगे, नेक्स्ट ऐड कर देंगे, ऐसे करके चलते हैं, तो 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसमें समझा देंगे, अगर इसमें थोड़ी दिक्कत आई है तो यहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या करते हैं, सबसे पहले ये वाला शीर्ष है, तो ये कितने आधार है, नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 नंबरिंग कर ली हमने 4, ठीक है, 4 नंबरिंग कर ली। अब क्या करना है, वही काम करना है अपना, देखो ऐसे लिखना, 1 2 3 4 यहाँ पे 4 थे, 4 लिख लिए, बराबर का निशान लगाएंगे ऐसे करके, 1 के सामने 1 लिख देंगे, फिर क्रॉस ऐड करेंगे, 1 में 2 ऐड किया कितने हो गए, 3, 3 में ये वाला 3 ऐड किया कितने हो गए, 6, 6 में ये 4 ऐड किए कितना हो गया, 10, 10 हो गया। इसको फिर जोड़ देते हैं पूरे को, 10 और 6 16 और 3 19 और 1 कितना हो गया, 20 प्लस। क्या करते हैं, नीचे से एक बार ऊपर चलते हैं और सबसे पहला नंबर, याद रहे कि आपको सबसे पहला नंबर जो होता है वो छोड़ना होता है, इसको छोड़ देंगे, ये वाला ऐड कर देंगे, 6 कर दिया प्लस, ये वाला छोड़ देंगे, ये वाला ऐड कर देंगे ऐसे करके, तो कितना हो गया, 20 और 6 26 और 1 27। तो इस वाले फिगर में टोटल ट्रायंगल की संख्या होगी वो कितनी आ गई, 27 आ गई। अगर दिक्कत आई है, समझ में नहीं आया हो, तो आगे नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और मैं कराऊंगा, उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये वाला तरीका होता है कि हम ट्रिक से कर सकते हैं, और एक हमारा फॉर्मूला होता है, एक क्या होता है, फॉर्मूला होता है सम का। अगर आधार की संख्या सम दे रखी हो, जैसे 2 है यहाँ पे, यहाँ पे आधार की संख्या कितनी है, 4 है, अगर आधार की संख्या सम हो, इवन हो, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एन एन प्लस 2 और 2n प्लस 1 अपॉन 8। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है, यहाँ पे जो ये n है, n की जगह पे ये लिख देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ पे 4 लिख देंगे, जितने आधार हैं वो n की जगह पे लिख देंगे, उससे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। क्या होता है कि एग्जाम में हम फॉर्मूला भूल भी सकते हैं, तो ये वाला एक बार इस पे हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये नहीं भूलेंगे। अगर जिन लोगों को फॉर्मूले से करना है तो वो इसे फॉर्मूले से कर सकते हैं, और जिनके ट्रिक समझो वो ट्रिक से कर सकते हैं। ठीक है, अभी 2 क्वेश्चन और आगे कराऊंगा तो उसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, उम्मीद करता हूं भाई सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बहुत धीरे धीरे आपको पढ़ा रहा हूं, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं भाई, सभी को समझ में आ रहा होगा। ओके, देखो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, एक और बना लेते हैं, फिर दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे। देखो ये जो सीधी रेखा है, ये जो है आपको सीधी रेखा माननी है, क्योंकि बनाने में थोड़ा सही से नहीं बन पा रहा है, लेकिन आपको ये सीधी रेखा माननी है आपको। ठीक है, अब हमें इन दोनों फिगर में बताना है टोटल ट्रायंगल की संख्या क्या होगी, वही काम करना है जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। क्या करना है, ये वाला शीर्ष और ये वाले आधार है, आधार काउंट करने, कितने आधार हैं, 3 आधार हैं इसमें। ठीक है, तो क्या करना होता है, जितने आधार हैं वो नंबरिंग कर लो, 1 2 3 नंबरिंग कर ली,
पहला जैसा है वैसा लिख देंगे, फिर क्या करेंगे क्रॉस ऐड कर देते, हो गए तीन हो गए, इस तीन में ये वाला तीन ऐड किया तो कितना हो गए छः हो गए, फिर इसको क्या कर देते हैं पूरे को जोड़ देते हैं, छः और तीन नौ एक दस, दस कर दिया पर की ओर, और क्या करते हैं सबसे पहले वाला होता है वो छोड़ना होता है, फिर उसके बाद आगे वाला ऐड करना होता है, फिर छोड़ना होता है करना होता है, तो देंगे तीसरा देंगे चौथा वाला है ही नहीं, तो कितने ट्रायंगल निकल के आ गए 10 और 3 13, इस वाले फिगर में टोटल ट्रायंगल की संख्या है वो कितनी होगी दोस्तों 13 होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं आप और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं क्या करते हैं, ये वाला शीर्ष है आपका तो यहाँ पे बेस काउंट करते हैं कितने, तो देखो एक रेखा ये है 1 2 3 4 5 नहीं है 5 ठीक है, करते हैं वही नंबरिंग लिखते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके कर लिया, फिर बराबर के ऐसे निशान लगा लेते हैं, पहला जैसा है वैसा उसके सामने लिख देते हैं, एक के सामने एक लिख दिया ठीक है, फिर क्रॉस ऐड करते हैं, एक में दो को ऐड किया कितने हो गए 3, तीन में तीन को ऐड किया 6, 6 और 4 कितने हो गए 10, 10 और 5 कितने हो गए 15, ये इसको अब काउंट कर देते हैं कितने हो गए 15 और 10 कितने हो गए 25, 25 और 6 31, 31 34 और 35 प्लस, नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं और याद रहे दोस्तों सबसे पहले वाला होता है वो छोड़ना होता है, उसके नेक्स्ट वाला ऐड करना है, फिर ये वाला छोड़ना है, ये वाला ऐड करना है, फिर ये वाला छोड़ना है, तो देखो 10 ऐड कर दिया, फिर ये 6 छोड़ना है, 3 ऐड करना है, कितने हो गए 35 और 10 45 और 3 कितने हो गए 48 48। तो इस वाले फिगर में जो टोटल ट्रायंगल की संख्या है वो कितनी होगी 48 होगी। तो मैंने जैसे ही आपको पहले बताया था कि दो तरीके से हम कर सकते हैं, एक तो ये वाली हमारी ट्रिक है और एक होता है फॉर्मूला, तो देखो मैंने जो पहले फॉर्मूला बताया था वो आपके लिए सम के लिए बताया था, जैसे यहाँ पे 3 है विषम है, यहाँ पे 5 है विषम है ठीक है, पहले जो बताया था सम के लिए बताया था, विषम में क्या करते हैं विषम में के जो पहले वाला फॉर्मूला था ना उसमें से सिर्फ हम एक माइनस कर देते हैं, देखो कैसे n n प्लस 2 टू एन प्लस 1 टू एन प्लस 1 माइनस 1 अपॉन कितना 8, तो कुछ नहीं करना है इस वाले आंसर में, यहाँ पे n की जगह जैसे यहाँ 3 है यहाँ पे 3 रखना है, यहाँ 5 है यहाँ 5 रखना है और हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन हमें फॉर्मूला इतनी बड़ी कैलकुलेशन और शायद हम एग्जाम में भूल जाए फॉर्मूला को वो नहीं करना है, ये ठीक है बहुत सिंपल है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आपके समझ आ जाएगा, और ये जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए ना ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, सब क्वेश्चन आए हुए हैं आपका जो है ये जो SSC 2017 में आया हुआ है ठीक है, और ये आपका जो है SSC 10+2 में आया हुआ है और SSC 2009 में आया हुआ है, तो ये सब क्वेश्चन जहाँ आए हुए हैं जो भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, अगर कोई दिक्कत आई है तो नेक्स्ट वीडियो आएगी आप कमेंट करें उसमें ज़रूर कोई ना कोई सॉल्यूशन करेंगे और आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा, आप मेहनत करते रहें हमारे साथ हम भी आपके साथ मेहनत करेंगे ठीक है, तो टेक केयर बाय बाय, आज के लिए यहीं पर अपना विराम लेते हैं।